के बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ के जिला अधिकारी ने आगरा एक्सप्रेसवे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और लखनऊ टोल प्लाजा पर टीमें तैनात कर कोविड टेस्ट कराने का आदेश जारी किया है। रविवार को राज्य में कोरोना के 135 नए मामले सामने आए। आगरा एक्सप्रेसवे से लखनऊ का सफर करने वाले अब आगरा टोल प्लाजा पर कोरोना टेस्ट के लिए तैयार रहें। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आगरा एक्सप्रेसवे पर कोरोना जांच करने का आदेश दिया है। इसके लिए सोमवार से सारी तैयारी कर ली जाएगी। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामले देखकर यह फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने रविवार को कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 12 से 14, 15 से 17 और 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में आने वाले स्कूलों का जोन बनाकर टीकाकरण किया जाएगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और NCR से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग की जाएगी। बैंकों, बीमा, वित्तीय प्रबंधन संस्थानों और विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों की विशेष जांच होगी। शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय फैकल्टी में फोकस सैंपलिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि लखनऊ में RT-PCR की पॉजिटिविटी रेट 0.34 होने के बाद जिलाधिकारी ने कोविड की जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने को कहा है। सोमवार को निजी नर्सिंग होम व अस्पताल की बैठक होगी। चिकित्सा प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। DM ने यात्रियों से RT-PCR जांच कराने में सहयोग करने की भी अपील की है। एयरपोर्ट पर अपना नाम, सही पता, मुख्य रूप से हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप पर अधिकतम सतर्कता बरतने को कहा गया है ताकि संक्रमण न फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।